दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 31 अगस्त को जो है ईएमआई मॉरेटोरियम ख़त्म हो चुका है, और इसके बाद जो है मेरे भाई जिन्होंने लोन ले रखा था, चाहे वो पर्सनल लोन था, बिजनेस लोन था, होम लोन था, कार लोन था, किसी भी तरीके का जो टर्म लोन था ले रखा था, उनकी जो है काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी भी जो देश में जो है काम धंधे जो है नॉर्मल नहीं हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जो नौकरियाँ गई हैं, और इसी ईएमआई मॉरेटोरियम के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है काफ़ी लंबे टाइम जो है केस चल रहा था। आज इस केस के ऊपर सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस वीडियो में आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप धर्रा, आप सब देख रहे हैं टेक बुद्धि। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब का प्लीज़ उसको दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इस तरीके की जो बेहतरीन वीडियो है आप सब लिए लेके आता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए हम ज़्यादा प्रेरित होते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस के ऊपर जो सुनवाई हुई, ईएमआई मॉरेटोरियम को जो एक्सटेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ब्याज के ऊपर जो है ब्याज लगना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं वो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है ये कहा है कि भाई हम जो इस मामले को बार बार टाल रहे हैं जो अच्छी बात नहीं है, आज इसको आखिरी बार जो है हम टाल रहे हैं 28 सितंबर तक, और 28 सितंबर तक जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है केंद्र सरकार को राज्य विभाग को ये बोला गया है कि आप अपने पक्ष में जो भी आपके पॉइंट है उनको पूरा डिटेल के साथ लेके आए, इसके बाद हम इस मामले को जो है आगे नहीं टालेंगे, 28 सितंबर को जो है हम इसकी सुनवाई का जो आखिरी फैसला है वो कर देंगे। वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने हर एक पक्ष को ये बोला कि अपने जो भी पॉइंट हैं आपके, या आप ईएमआई मॉरेटोरियम एक्सटेंड करना चाहते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाने के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ऐसी परिस्थिति में जब देश में काम नहीं है, नौकरियाँ लोगों की जा रही हैं, तो ऐसे में कंपाउंड इंटरेस्ट जो है लेना वो गलत है, इसके लिए सरकार को जो है एक अच्छा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि जो है लोन बोरोड जो है जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनको राहत मिल सके। और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले यह भी कहा था कि 31 अगस्त को मॉरेटोरियम जो ख़त्म हो गया उसके बाद अगर अगले 2 महीने भी जो है लोग अपनी ईएमआई नहीं पे कर पाएंगे तो उनके जो अकाउंट को उनके नाम को जो है एनपीए नहीं किया जाएगा। एनपीए करने से आपको बड़ा नुकसान होता है, अगर एनपीए आपको कर दिया जाता है आने वाले टाइम में जो है आपको लोन मिलने में काफ़ी मुश्किलें होती हैं, और अगर लोन मिल भी जाता है तो काफ़ी महंगे इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। तो 28 सितंबर को जो है इसकी आखिरी तारीख जो है सुनवाई होनी है, और उसी दिन जो है सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला देगा। आज के फैसले में सिर्फ यही था कि आगे 2 महीने जो है जो अगर आपकी ईएमआई के ऊपर आप जो है नहीं पे कर पाएंगे लोन मॉरेटोरियम के बाद, तो आपका जो अकाउंट है आपको जो है एनपीए में नहीं डाला जाएगा, और एनपीए के बाद जो है आपको नुकसान नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं 28 सितंबर को जो आखिरी बार इसकी सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो लोन बोरोर के बेनिफिट के लिए हो, उनके हित के लिए हो। और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दे, चैनल पर अगर नए थे तो छोटी सी रिक्वेस्ट है नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब का प्लीज़ को दबा लें, क्योंकि इस तरीके की जो बेहतरीन वीडियो है आप सबके लिए लेके आता रहता हूँ।